नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 दिनांक 23/10/2021 व 24/10/2021 को 4 पारियों में की गई थी ये भर्ती परीक्षा। अगर आपने भी दी थी तो आपके लिए है एक अच्छी खबर। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि इस भर्ती की जो मेरिट निकाली जाएगी वो नॉर्मलाइजेशन के तहत निकाली जाएगी। इसके तहत अब आपको समझना है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। हम आपको बताते हैं, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि हमें मालूम है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 4 पारियों में पूरी की गई थी, तो हर पारी पे पेपर अलग अलग आया था और उसका स्टैंडर्ड भी अलग अलग था। जैसे कि हमें याद है कि जो पहला पेपर हुआ था 23/10/2021 की पहली पारी का, उसका स्तर थोड़ा हल्का था। उसके बाद में जो जो पेपर होते गए उनका स्तर बढ़ता गया। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये प्रक्रिया अपनाई है। इस नॉर्मलाइजेशन के तहत क्या होता है कि जिस परीक्षा की यानी जिस पारी में जो टॉप बच्चा होता है, यानी कि पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसका 100 नंबर मान लिया जाता है। यानी कि अगर जो टॉप बच्चा होगा, यानी कि उस पेपर में किसी बच्चे के 100 में से 70 नंबर आए या 65 नंबर आए तो वो उसको स्टैंडर्ड मान लिया जाएगा, उसको 100 नंबर मान लिया जाएगा और उसके आधार पर वो कट ऑफ जारी किया।